नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। संविधान बचाने आज भी जनता को न्यायालय पर सबसे अधिक भरोसा, न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा। कार्यक्रम में दिखा कोरोना वायरस का खौफ, हाथ मिलाने की जगह हाथ जोड़कर किया अभिवादन। जी हां, आज न्यायपालिका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संविधान बचाने के लिए। आज के युग में भी जनता को न्यायालय पर ही सर्वाधिक भरोसा है। उक्त बात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ के पोर्टफोलियो न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने मानस भवन में शनिवार को अभिभाषक संघ द्वारा आयोजित मेधावी सम्मान व विधिक सेमिनार में बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश और अभिभाषक रथ के दो पहिए हैं, यदि एक पहिए का संतुलन बिगड़ जाए तो रथ आगे नहीं चल सकता। न्यायाधीश और अभिभाषक दोनों की ही जिम्मेदारी है कोई न्याय से वंचित ना रहे। अपने फर्ज के प्रति दोनों का ही समर्पण होना चाहिए। मानस भवन में आयोजित अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अभिभाषक सदस्यों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन अभिभाषक संघ के सचिव मुकेश रघुवंशी ने किया। विदिशा से इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। वेदांत आश्रम जीवाजीपुर वासुदा के बटुकों द्वारा इन तीनों विद्यालय के प्राचार्यों को भी हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे।